हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं हितेश मिश्रा फिर से आपके साथ हूं। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ एन एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। देखिए, एक माहौल चल रहा है अभी रेलवे का, एसएससी का, और इसमें बहुत सारे बच्चे जो वाईफाई स्टडी के द्वारा सफल हुए हैं, उसी में एक कड़ी जुड़ी है आज, और वो कड़ी है जो आप देख रहे हैं आयुष मिश्रा जी का। और ये एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहली बार में एसएससी सीएचएसएल और जेई का प्री क्लियर किया, साथ में आरआरबी जेई प्री और मेंस क्लियर किया, और इनका जो नंबर है, जो मार्क्स है, वो भी ठीक ठाक है। जिसमें मतलब बच्चे जो हैं, कहीं ना कहीं क्या होता है कि कट ऑफ को जनरली 10-15 मार्क्स से पार करते हैं, ये बहुत अच्छे मार्क्स से उसको पार किए हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे, इनका सक्सेस स्टोरी का राज क्या था ये बताएंगे, कैसे इन्होंने अपने जीवन में सोचा कि मुझे ये सरकारी नौकरी की तरफ ही जाना है, कैसे इनको इंस्पायरिंग एक स्टोरी मिली होगी या इंस्पिरेशन कहीं से मिला होगा, कब क्या इन्होंने सोचा, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो स्वागत करते हैं आयुष मिश्रा जी का, आइए। तो ये रहे आयुष मिश्रा जो आप देख रहे हैं। तो हम तो आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले आयुष जी कि शुरुआत कहाँ से हुई, आपने तैयारी कैसे शुरू की? एकदम कूल होके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सर, तो शुरुआत मेरी हुई, मेरे फादर हैं वो एक्चुअली रेलवे में ही हैं, उदयपुर में रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर हैं। अच्छा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो वहीं बचपन उसी एनवायरनमेंट में बीता, रेलवे कॉलोनीज में रहे, और वहीं उदयपुर राजस्थान में स्कूलिंग हुई। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था, तो बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया लखनऊ के श्री रामस्वरूप मेमोरियल कॉलेज में। और लखनऊ जाने का रीज़न ये था मेरा कि वहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर थी, वो अकेली थी, तो एक उनको भी सपोर्ट हो गया। मैं लखनऊ में जाके एडमिशन लिया बीटेक में वहाँ पे, और मुझे भी सपोर्ट हो गया एक। तो जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, बीटेक किया, तो उसके बाद आपको बढ़िया ऑफर मिला होगा, तो आप सरकारी की तरफ झुके। एक तो आपने बताया पापा थे, तो शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब तैयारी की शुरुआत कैसे हुई, और फिर आप वाईफाई स्टडी से कैसे जुड़े? सो बेसिकली पापा का ही था कि गवर्नमेंट की तरफ जाना है तुमको, पापा ही कहते थे, क्योंकि फैमिली में काफ़ी एग्जाम्पल्स भी हैं, लोग प्राइवेट में भी कर रहे हैं, सरकारी में भी कर रहे हैं। मेरा बड़ा भाई है जैसे, वो भी प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो सबके अपनी प्रेफरेंस है। तो गवर्नमेंट जॉब का था एक बैलेंस लाइफ की अपॉर्चुनिटी देता है गवर्नमेंट जॉब, मतलब आप अपना देश के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी सर्विसेज, एंड साथ ही साथ आप अपने पर्सनल हॉबीज एंड इंटरेस्ट के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। बिल्कुल। एंड तो जैसे आपने तैयारी शुरू की, ये सारी बातें हुई, तो वाईफाई स्टडी कब आपके जीवन में आया और कैसे आप इन मतलब हमारे चैनल से जुड़े? सर, तो जब आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आया था ना, तो उसमें दो स्टेजेस थी, CBT 1 एंड CBT 2। CBT 2 तो टेक्निकल था एंड CBT 1 कम्प्लीटली नॉन टेक था। तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था कि CBT 1 जैसे नॉन टेक्निकल है, तो मतलब काफ़ी CGL एंड अदर नॉन टेक्निकल, बैंक CGL, बैंक PO, इन सब एग्ज़ाम के भी एस्पिरेंट्स काफ़ी बैठेंगे, उनसे कॉम्पीट करना पड़ेगा। टेक्निकल का तो मैं शुरू से कर ही रहा था, बीटेक के टाइम से ही टच में था, तो नॉन टेक्निकल मेरे लिए कम्प्लीटली नया था। तो बुक्स वगैरह सर्च की नेट पे, मैं बुक्स वगैरह लेके भी आया, लेकिन उतना हो नहीं पा रहा था, मतलब सब कुछ एकदम कम्प्लीटली नया, बायोलॉजी जो कि 10th के बाद उसके टच में भी नहीं था। बिल्कुल। मतलब मैं पढ़ने बैठता था, 10-5 पेज भी दिन में हो नहीं पाते थे, बहुत इंटरेस्ट भी नहीं बनता था। फिर यूट्यूब पर रैंडमली मैं सर्च कर रहा था, तो वाईफाई स्टडी वहाँ पर मेरे सामने आया, वो मैंने देखना शुरू किया। तो मतलब बहुत एक तो इंटरेस्ट भी था, और मतलब हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल पढ़ा रहे थे, तो और बायोलॉजी खासकर बिल्कुल ही नई चीज़ थी हमारे लिए, वो शिप्रा मैम ने काफ़ी आसान बना दिया। वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर इनसे आपने जाना अभी कि यूट्यूब को इन्होंने ऐसे फॉलो किया, तो सर क्या मतलब जब आप मतलब पार्ट टू में गए, CBT 2 के लिए आपने अप्लाई किया था, मतलब जब आप उसमें क्वालिफाई हो गए, तो उसमें आपने कैसे सहारा लिया? यूट्यूब पे तो क्लास चली नहीं थी उसकी, तो कैसे आपने उसको क्रैक किया फिर? CBT 2 एकदम से शॉर्ट नोटिस पे आ गया था काफ़ी, तो क्लासेस भी उतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी, तो फिर अन अकेडमी प्लस पे भी मैंने
सर्च किया तो वहाँ पे कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस का कोर्स था, यूट्यूब पे वो कहीं भी नहीं था, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट ने नहीं डाल रखा था। तो मैंने वो लिया, उसे उसी के साथ टेस्ट सीरीज भी मिली मुझे। तो और खास मिला आपको? हाँ सर, और खास बात ये थी कि मतलब मैं टेस्ट सीरीज देता था, वहाँ पे भी मेरे मार्क्स 150 में से मतलब जिस रेंज में आते थे 105 to 110, और एक्चुअल एग्जाम में भी 106.66 बने। मतलब देखो, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हैं और आप सही आदमी से पढ़ते हैं, सही एडुकेटर से आप पढ़ते हैं, तो आप लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। ये चीज़ इनसे आप जान रहे हो, इन चीज़ों को आप समझ रहे हो। तो सर, जब आपने तैयारी शुरू की तो कभी कभी आपको लगता होगा कि यार मतलब नहीं हो पा रहा है, मतलब बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है एग्जाम देंगे लेकिन थोड़ा सा कुछ प्राइवेट जॉब कर लेते हैं तो कुछ पैसा आ जाता है, ऐसा होता है जनरली, क्योंकि हम लोग बीटेक करते हैं तो हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत हुआ है। तो आपके मन में भी आया होगा या कुछ अड़चने आई होंगी जब आप बैलेंस खो रहे होंगे, तो कैसे आपने फिर अपने आप को संतुलित किया उस केस में? सर बिल्कुल, ये मेरी लाइफ में भी आया था। मैं मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। मेरा मतलब किसी फ्रेंड्स वगैरह के भी कॉल आते थे तो मतलब मन नहीं करता था किसी से बात करने का, मतलब सब फ़ोन भी मैंने रिचार्ज नहीं कराया था उस दौरान बहुत टाइम से। और मैं मतलब घर पे बोलता था कि मतलब प्रिपरेशन में मन नहीं लग रहा, तो घर वाले भी बोलते थे, मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट रहा उनका, कि घर वालों ने मुझे बताया कि टाइम लगता है किसी को, दो साल मेरे रोंगटे खड़े करते हैं। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और फैमिली के सपोर्ट से आप क्या होते हैं कि जितने आप में क्वालिटी है, जितनी आप में कैपेबिलिटी है, वो और दोगुनी चौगुनी हो जाती है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सारे पेरेंट्स से कि बच्चों पे प्रेशर ना दें, वो तैयारी करते हैं, आप उनको प्यार से समझा सकते हैं कि बेटा और ऐसे करो, या अगर वो फ्रस्ट्रेट होते हैं तो उनको समय दीजिए, उनसे बात कीजिए, लेकिन उनको ऐसा नहीं कि यार तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, जैसे इनकी फैमिली ने सपोर्ट किया। तो ये जी सर, और मम्मी ने जैसे बोला था एक टाइम पे, मैं भी सोच रहा था प्राइवेट जॉब करूँ या किसी और एग्जाम की, बैंक्स वगैरह की तैयारी करूँ, तो मम्मी ने कहा था कि अभी पापा को भी रिटायरमेंट में काफ़ी टाइम है, तो तुम आराम से 2-4 साल जितना भी लगे आराम से प्रिपरेशन करते रहो। तो और कहीं ना कहीं लेकिन मेरे अंदर था कि जल्द से जल्द मैं फैमिली पे बर्डन ना बन के मैं मतलब फैमिली को कंट्रीब्यूट कर सकूं, तो एक वो अंदर एक मोटिवेशन था मेरे अंदर। तो आपको क्या लगता है वाई फाई स्टडी जो है, मतलब जो हम लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, तो मतलब देश में जो बच्चे हैं उनके लिए हेल्पफुल कितना हो पा रहा है, मतलब आप क्या फील किया जाए स्टूडेंट? सर बहुत हेल्पफुल है, जैसे कई लोग तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऐसी होती है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ जिन सिटीज़ में नहीं है, या बहुत विलेजेस में बहुत टैलेंटेड लोग हैं लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो लोग अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। और जैसे मेरा केस था, मैं घर में रह के पढ़ता था तो वहाँ पे उतनी शांति नहीं रहती घर में, एक तरह से मिलने वाले आते हैं या शोर शराबा रहता है, तो बुक्स से पढ़ने जाओ तो उतना वो डिस्ट्रैक्शन या मन कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाता, इरिटेशन हो जाती है कि पास में शोर हो रहा है या कुछ। तो इसमें मुझे ये था कि मतलब वीडियो लेक्चर देखने कान में ईयरफोन था तो उस सब डिस्ट्रैक्शन से भी दूर होके वीडियो देख सकते हैं इजीली, और काफ़ी फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा है। जैसे लोग दिल्ली आके कोचिंग करते हैं, रहने खाने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है और कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ़ीस होती है, और उसके कंपैरिजन में ये आपको एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है ऑनलाइन। तो जैसे अगर हम बात करें तो वाई फाई स्टडी ने एक मतलब कोशिश की है, और देखिए आप पढ़ें कहीं से, लास्टली आपका सिलेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है। इन्होंने भी तैयारी की, इन्होंने भी सपना देखा, उसके पीछे लगे। इनकी बात को एक बार मैं अगर ब्रीफ करूं तो सबसे पहले इन्होंने तैयारी शुरू की, फिर इन्होंने स्क्रॉल किया बुक के लिए, फिर इनको मिला वाई फाई स्टडी चैनल, फिर उन्होंने उनको फॉलो किया, फिर इनके लिए एक और मतलब रास्ता नया खुला कि ये 72 में क्वालिफाई हुए, फिर इन्होंने प्लस का सहारा लिया, फिर वहाँ से बढ़िया मार्क्स किया इन्होंने, और इन्होंने बताया कि CHSL का भी ये प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, SSJEE का प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, तो रास्ता तो अभी खुलना शुरू हुआ है इनकी, मतलब बहुत ज़्यादा एज भी नहीं हुआ है इनका अभी। तो आप कोशिश करते रहिए, और अड़चनों की बात इन्होंने बताई तो उनमें फैमिली सपोर्ट है, खुद का भी मोटिवेशन होना चाहिए कि हम कर लेंगे, अपने अंदर ये इच्छा शक्ति रखनी जरूरी है। तो आप मतलब अभी और पहले में क्या फील करते हैं, अभी आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने की छोर पर हैं, और अभी आप में क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है, मतलब आप क्या देखते हैं अपने आप में अंतर? हाँ सर, तो पहले मैं टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था बेसिकली, लेकिन बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था, तो मैं मतलब सारे फॉर्म भरता था, जिनकी मैं तैयारी नहीं भी कर रहा हूँ उनकी भी भरता था। कि मतलब एक मिनट में रोकना चाहूँगा, आपके हिसाब से एक लक्ष्य क्लियर होना जरूरी है? एक लक्ष्य तो क्लियर होना जरूरी है, वो तो ये बेसिकली मैंने भी पढ़ा था, मतलब स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि आप
एक लक्ष्य बना लो और उसी में सारी एनर्जी एंड टाइम झोंको। तो वो भी मैंने भी सीबीटी वन जब होने वाला था तो सिंगल रूम ले लिया था मैंने जाके एक महीना पहले और मतलब सब छोड़ छाड़ के केवल वाईफाई स्टडी के लेक्चर मतलब रेगुलरली देखता था और एक महीने पहले एक बार वापस से सब रिवाइज करने के लिए देखे। तो मतलब एक लक्ष्य पे फोकस होके करेंगे तो ज़्यादा जल्दी चांसेस हैं एग्जाम क्लियर होने के। तो आप संदेश क्या देना चाहेंगे मतलब स्टूडेंट्स को कि वो कैसे तैयारी करें जो नए छात्र हैं या जिनको लगता है कि उनकी देरी हो रही है, एक आध मार्क्स वो छूट रहे हैं, बहुत तरह के बच्चे होते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो अपने आप को संतुलित रख के तैयारी करते रहें, कैसे वो अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि टाइम लग किसी को, ये नहीं है कि आप तैयारी शुरू किए तो एक दो महीने में कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंटली रह के आप नॉलेज गेन करें और जब भी एग्ज़ाम आने वाला हो या तो आप उसके मॉक्स देना शुरू कर दें, मतलब आप ये है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। ये मेरे एक दोस्त ने भी मोटिवेशन वीडियो भेजी थी, उसमें बताया था कि दो टूल्स सबसे ज़्यादा जो नेसेसरी होते हैं वो वैराग्य और अभ्यास। मतलब वैराग्य मींस आप सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए और अभ्यास मींस कंटिन्यूस प्रैक्टिस। जैसे मेरा था सीबीटी 2 में 150 क्वेश्चन आने थे, तो जिस दिन से नोटिफिकेशन आया था मैं मतलब मैंने ये बना लिया था रूटीन कि डेली मैं 150 टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। जनवरी से मैं टेक्निकल 150 टेक्निकल क्वेश्चन डेली करता था एग्ज़ाम डेट तक। तो चीज़ें मतलब रेगुलरिटी बनी रही तो आसान हो जाता है। एक्चुअल एग्ज़ाम में जाएंगे आप तो आपका रूटीन पहले से सेट होगा तो टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी आसानी हो जाएगी उससे। तो और दूसरी बात कि आपका जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम जैसे अभी आने वाला है ग्रुप डी एनटीपीसी का, तो एग्ज़ाम का जो टाइमिंग होने वाला है, मान लीजिए एडमिट कार्ड आने के बाद आपको एक पता तो चल जाएगा कम से कम 10-15 दिन पहले, तो आप उस टाइम पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें मुझे ऐसा लगता है, ताकि वो फील आए आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके कि मेरा 10 से एग्ज़ाम है तो मैं उतने बजे ही बैठा हूँ। हाँ ये बहुत ज़रूरी है आपका एडमिट कार्ड में टाइम पता चल जाए। जैसे काफ़ी लोग होते हैं दिन में सोते हैं रात को पढ़ते हैं, तो वो चीज़ बंद करके आपका जैसे 9 से 12 एग्ज़ाम है या 10 से 1 जो भी टाइमिंग आए उस दौरान आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दें। बिल्कुल, तो इससे काफ़ी मतलब एक आपकी बॉडी बायोलॉजिकली अडप्ट हो जाएगी, अलर्ट हो जाएगी मतलब उस टाइम पीरियड के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, आयुष मिश्रा जी को बधाई है हमारी तरफ से। थैंक यू सर, इन्होंने बढ़िया मेहनत किया है और ये लखनऊ से आए हैं हमसे मिलने के लिए। बहुत देर इनको वेट भी करना पड़ गया क्योंकि हमारी क्लास थी, तो इन्होंने पेशेंसली वेट किया। ये भी एक चीज़ दिखाती है अपने लाइफ में, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पेशेंस ही नहीं रखते, और पेशेंस अगर नहीं है तो फिर जीवन में कुछ भी नहीं है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको सुबह 10 बजे का टाइम दिया जाता है, शाम में 4 बजे इंटरव्यू होती है, तो आपका पहला पड़ाव यही है कि आपका पेशेंस चेक होता है कि आप कम से कम बैठ पा रहे हैं कि नहीं। वो भी कैमरा से ऑब्जर्व होते रहता है कि आप कितने छटपट आ रहे हैं, आप कितने कूल होकर बैठे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं अपने जीवन में इम्पैक्ट डालता है। तो मैं इनको दोबारा तिवारा चौबारा बधाई देना चाहूँगा। इनके मम्मी पापा ने सपोर्ट किया, इनकी मतलब ग्रैंड मदर ने सपोर्ट किया और उनके लिए ये सपोर्ट बन के गए। आजकल के बच्चे ऐसा सोचते नहीं हैं, वो मोबाइल में गेम में बिजी हैं, अपने और भी चीज़ों में बिजी हैं, पर इन्होंने ये चीज़ को देखा तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और देखिए असली जो कमाई है माँ बाप का हो या किसी फैकल्टी का हो या किसी भी एडुकेटर का हो, यही है कि आप सक्सेसफुल होते हैं तो हमें गर्व होता है कि चलो कहीं ना कहीं ये मतलब हमसे जुड़े हुए हैं। बाकी सैलरी तो आपके अकाउंट में ही आना है, आयुष जी ज्वाइन करेंगे इन्हीं के अकाउंट में आना है, बस खुशियाँ मिलती हैं हमारे अकाउंट में। तो वाईफाई स्टडी की तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट अभी फ़िलहाल इनको ये है, ये आप देखते होंगे जनरली, तो ये बहुत सारे बच्चे चाहते हैं लेकिन आप सिलेक्शन जब लेंगे तो फिर आपको भी मिलेगा ये। तो वाईफाई स्टडी का प्यारा सा भेंट है आयुष जी आपके लिए। आप आगे बढ़ें ऐसे ही, बहुत तरक्की करें, है ना, और जीवन जो है आपका अच्छा से चले। बढ़िया से आपने सारा जवाब दिया, कॉन्फिडेंट आप हैं ही, नौकरी आप ले ही लिए, तो आगे फिर और भी तैयारी करने का आपका कुछ है? अब मैं मतलब अब एक एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया तो एक कॉन्फिडेंस है, अब मैं हायर एग्ज़ाम्स जैसे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन मेरा है नेक्स्ट टाइम, तो अब मैं उसकी तो आपको पूरे जीवन में जितने भी एग्ज़ाम देने हैं ऑल द बेस्ट, आप नौकरी ज्वाइन करें, अच्छे से आगे बढ़ें। और मार्क्स आपका कैसा रहा, मतलब जितने भी कट ऑफ होते हैं उससे कितना ज़्यादा मार्क्स है आपका, और किस जोन से आपका हुआ है? मेरा आरआरबी अजमेर से हुआ है और सीबीटी 1 में मेरा 100 में से नॉर्मलाइज स्कोर 81 है और सीबीटी 2 में मेरिट इंडेक्स है 704। चलिए, और एसएससी जेईई का भी रिजल्ट आया था उसमें
160 हैं प्री में मार्क्स, तो सही है, मतलब ये सही रास्ते पे जा रहे हैं, अपने जीवन में तरक्की करें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और जितने भी हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं आप एकदम निश्चिंत बढ़िया कॉन्फिडेंट होकर तैयारी करें, टेंशन लेना नहीं है, सबका अच्छा होगा, सबका भला होगा, ऑल द बेस्ट। वाईफाई स्टडी की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आप ऐसे ही अचीव करते रहें। वाईफाई स्टडी टीम, बिल्कुल, फॉर माय सक्सेस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू।